हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। इवन आप खुद बताते हो कि सर मेरे सिली मिस्टेक के अंदर 40 से 50 मार्क्स मेरे तो यूँ ही कट जा रहे हैं। तो पहले समझो कि बच्चों सिली मिस्टेक होती क्या है, किन मिस्टेक को आप सिली मिस्टेक का नाम दे रहे हो। ठीक है, तो हम समझते हैं बच्चों आप क्या क्या हमें बोलते हो, पहले वो देख लेते हैं। तो आप क्या कहते हो हमें कि सर क्वेश्चन को मैंने जल्दबाजी में पढ़ा। जल्दबाजी में पढ़ने का मतलब यह है कि क्वेश्चन अगर 4 लाइन का है तो आप क्या कर रहे हो उसके अंदर आधी आधी चीज़ें पढ़ते चल रहे हो, तो दिमाग आधा रीड कर रहा है, आधी चीज़ें खुद से दिमाग फ्रेम कर रहा है जो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आगे जाके वो गलती करवाएगा आपसे। तो ये जल्दबाजी में पढ़ा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में गलती हो गई, रीडिंग मिस्टेक। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। रीडिंग मिस्टेक मतलब आप पूरा पढ़ तो रहे हो उसको, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो। बात आई समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, फिर मैंने कहा कि यहाँ पर थर्ड जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अगेन बच्चे बोलते हैं कि सर सब कुछ सही करा, फॉर्मूला सब कुछ सही रखा हमने, लेकिन जल्दबाजी में लास्ट में आके कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी। कुछ भी हो सकती है, प्लस की जगह माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिया, या फिर जो भी मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल है जनरली जैसे 2 की पावर 3 आ जाता है तो इसको 6 लिख देते हैं बच्चों जल्दबाजी में, और ऑप्शन हमेशा मिल जाता है। ठीक है, फिर फॉर्मूले में गलत वैल्यू पुट कर दी, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन जो डाटा क्वेश्चन में दिया है और जब वैल्यू हम पुट करने जाते हैं फॉर्मूले में वो गलत रख दिया हमने। सपोज करो डाटा दिया है 1.2, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हो 12 या 120 या 0.12। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फॉर्मूले में। फिर जो है इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं हम। एग्जाम में कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाया वैसे आपके मार्क्स कट। ठीक है, फिर ऑप्शन फिलिंग के टाइम गलत फिल कर दिया, सब कुछ सही करा आपने, आपने क्वेश्चन सही पढ़ा, सॉल्व सही किया, इवन आंसर भी मिल गया, लेकिन जब फिल करने जा रहे हो तो वहाँ पर 2 जो आंसर था 2 की जगह आपने बाद में 3 फिल कर दिया, ये भी मिस्टेक होती है बच्चों। फिर सारे ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़े, पहला ऑप्शन पढ़ा अच्छा लगा बिल्कुल, हाँ ये सही बात है, टिक मार दिया लो। तो बच्चों ये जो मिस्टेक है और भी बहुत सारी मिस्टेक जो आप बताते हो, तो ये सब सिली मिस्टेक जिसको आप कहते हो, तो इन सब में एक कॉमन चीज़ हम कहें तो बच्चों सिली मिस्टेक कौन से क्वेश्चन में होती है आप सोचो थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तो बच्चों एक चीज़ समझ लो पहले ही, जो आता हुआ क्वेश्चन है वही एग्जाम में रॉन्ग होगा। मतलब ईजी क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग होने वाला है, डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता कभी, या तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा आपसे, और सॉल्व होगा तो प्रॉपरली जब सॉल्व करते आप आ रहे हो तो आंसर मिलेगा आपको। जैसे ही आपने ईजी क्वेश्चन देखा आप फटाफट उसको सॉल्व करने लगते हो और आंसर पहुँचते हो। तो ध्यान से समझ लो पहले कि जो मिस्टेक होने वाली है वो ईजी में ही होने वाली है, तो यहीं पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक है जिनको आप सिली मिस्टेक कहते हो, एक्चुअल में इन मिस्टेक को देखो मैं क्या नाम देता हूँ, एक्चुअल मिस्टेक जो है, इन सभी मिस्टेक को बच्चों मैं कहता हूँ ये आपका टोटली एग्जाम में कैजुअल अप्रोच है जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है, ये जो भी आपने कही। इसके अलावा और जो मिस्टेक होती है जिसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कॉन्सेप्ट ही आपका जो है मतलब आप कह सकते हो रॉन्ग लगा दिया आपने, वो डिफरेंट है। एक मेमोरी बेस्ड मिस्टेक मतलब आप कह सकते हो कि जो कोई फॉर्मूला भूल गए, कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो वो रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों लगे, हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं इनको कैजुअल अप्रोच या यू कह सकते हो नॉन सीरियसनेस, लैक ऑफ फोकस ये कह सकते हो, तो इनको जो है हम कैसे थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स जो हैं जो नेगेटिव में जा रहे हैं उनको कैसे हम सही करें। ठीक है, तो देखना बच्चों पहला जो पॉइंट, इन सभी मिस्टेक को जिनको आप सिली मिस्टेक कह रहे हो इनको सही करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है एग्जाम में फोकस्ड रहना है बच्चों। आपका जो 3 आवर्स 20 मिनट का जो टाइम है पूरे टाइम आपको अपनी बॉडी, दिमाग, आप कह सकते हो आपका हाथ, आपकी आइज, सबों को एकदम सिंक्रोनाइज करके आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आइज कुछ अलग देख रही है वहाँ पर, दिमाग में कुछ अलग क्वेश्चन चल रहा है, जब सॉल्व कर रहे तो कुछ अलग कर रहे हो, तो जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ सिंक नहीं होंगी बच्चों आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमें एग्जाम में बहुत फोकस होकर काम करना है। फोकस होने के लिए अब जैसे मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ कि जैसे आपके सामने पेपर है, क्वेश्चन पेपर, आप उसको यहाँ से रीड कर दो तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर में 10-15 क्वेश्चन जितने भी पेज पर सारे दिखाई देंगे। थोड़ा सा तरीका चेंज करो, उसको थोड़ा सा पास में लो या टेबल उस पर रखो, आप कैसे भी कवर कर लो बाकी के क्वेश्चन को, आपको केवल और केवल वही क्वेश्चन दिखे या केवल 2 क्वेश्चन दिखे, 3 क्वेश्चन दिखे, तो बाकी के आसपास की चीज़ें क्या है वो दिखेंगी नहीं हमें। बात है बच्चों समझ में सबको? तो जब ओनली वही क्वेश्चन दिखेगा तो हमारा दिमाग बाकी जगह नहीं भटकेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हम फोकस बढ़ा सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल हम ले, जैसे आप सभी जो है कैमरे का यूज करते हो, फोटो क्लिक करते हो, तो जब आप फोकस जब आप बढ़ाते हो तो आप देखते हो आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाती है, तो यही हमें करना है। हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पढ़ पहला दें लेकिन दिमाग में वो दूसरा भी देख रहा है, चौथा, पाँचवा, सब आप सारे क्वेश्चन देख रहा हो, तो वो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब बाकी चीज़ें ब्लर हो जाएँ। ओके, तो एग्जाम में हमें क्या करना है, फोकस होकर काम करना है।
दूसरा पॉइंट बच्चों क्या सॉल्यूशन इसका है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरे पेपर में बनाए रखनी है। मतलब आपने फोकस अच्छा रखा, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ रहे हो, सब कुछ सारे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ और समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन बच्चों खुद डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके चार ऑप्शन जो होते हैं वो उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं या इजी बनाते हैं। तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, ओनली क्वेश्चन में नहीं फंसे रहे, ऑप्शन में चारों ऑप्शन पे ध्यान रहोगे तो वहां पर आपको और भी कुछ चीजें ऑब्जर्व होंगी और जिनसे आपका आंसर हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। बात ही समझे बच्चों? तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत अच्छे से यूज करना है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है हमारे कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन का, क्वेश्चन ने पूछा मोल फ्रैक्शन। अब हुआ क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़ा पूरा, आप फॉर्मुला वगैरह सब कुछ लगा रहे हो लेकिन ऑप्शन नहीं देख रहे, आप लगे रहे हो अपने काम में। अब ऑप्शन वहां पे देख रहे हो तो ऑप्शन में क्या है, मोल फ्रैक्शन में एक में दे दिया 1.5, किसी में दे दिया उसने 2.3, एक में दे दिया वहां पर 2.7 और एक में 0.7। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो बच्चों आप उसमें टाइम वेस्ट करने वाले हो। आपको पता है ऑलरेडी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्या हमें? आंसर सीधा क्या है, 0.7। तो हमें बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व रह के काम करना है एग्जाम में, ठीक है बच्चों? अब ये दोनों जो मैंने पॉइंट बताए इनको कैसे हम जो है एग्जाम के टाइम में कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ टिप्स है बच्चों, प्री एग्जाम, एग्जाम से पहले क्या करना है और डेली लाइफ में भी आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होता नीट का तब तक ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ। क्या है, डोंट यूज स्क्रीन एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन का यूज, लैपटॉप का यूज बंद कर दो, ठीक है? क्यों, रीजन भी दिया देखो, साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जो ब्लू लाइट जो निकलती है यहाँ से वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, दैट इज द मेलाटोनिन, और जिससे क्या होता है आपकी क्वालिटी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है और फिर क्या होता है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वालिटी स्लीप विल रिजल्ट इन ड्राउजीनेस एंड वंडरिंग ऑफ माइंड। मतलब अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, क्वालिटी स्लीप ऑलमोस्ट 6 to 7 hours की स्लीप नहीं ले रहे हैं तो हम जब एग्जाम देंगे हमें लग रहा है हम जाग रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब हमें लगेगा हम होश में तो हैं लेकिन बेहोश से सही कहे तो हम। तो पहली टिप समझ में आई बच्चों, तुरंत ये काम चालू कर दो, रात में जब भी सोने जा रहे हो उससे पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन का यूज बंद कर दो। सेकेंड क्या है, इन मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो डू एक्सरसाइज, और आपको कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है अच्छे जिसमें आपका पसीना बहे, लाइक स्टेपिंग स्ट्रेचिंग, ठीक है? ये एटलीस्ट 20 to 30 मिनट करो। इससे क्या होगा बच्चों, आपका धीरे धीरे जो ब्रेन है वो क्या है आप कह सकते हो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है, मोर फोकस्ड होगा, कंसंट्रेशन आपका जो है ज़्यादा बनेगा। आप बच्चों ये काम नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करें बच्चों, आप एक्सरसाइज 2 दिन भी कर लो, एक बॉडी में अजीब सा जो है एक जो है मतलब एक हैप्पीनेस आने लगती है, खुश होने लगता है दिमाग हमारा मन भी कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है, हम डिस्टर्ब नहीं होते इजीली सराउंडिंग से, तो मतलब हम फोकस हो जाते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। ये 1-2 दिन में नहीं होगा बच्चों, एक और चीज़ समझ लो, आपको डेली बेसिस पे नेक्स्ट जितने भी टाइम आपके पास बचा है एटलीस्ट उसके लिए लगो, 10 डेज में भी आपको रिजल्ट दिखेगा बच्चों, ठीक है? तो ये हमें करना है एग्जाम के लिए। अब एग्जाम की बात करें, एग्जाम में क्या करना है, पहले तो फॉलो द प्रॉपर सिक्वेंस, पहले बायो करना है बच्चों, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो कोई बच्चा तो उसके लिए नहीं लेकिन जनरल हमारा यही चलेगा, पहले बायो करना है फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अब इसका रीजन क्या है बच्चों समझना, आप एग्जाम हॉल में गए, ठीक है, एग्जाम हॉल में गए तो आप जो है ज़्यादा जो है क्या रहोगे, कॉन्सेंट्रेट होके काम करते हो, कॉन्सेंट्रेट होके काम करोगे स्टार्टिंग में, तो आपका स्टार्टिंग पेपर है बायो, बायो में कैलकुलेशन ही आपको रीडिंग करनी है और आंसर टिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो ईजी पार्ट, ईजी पार्ट में स्लिप मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में करो, क्योंकि स्टार्टिंग जब पेपर देने जाओगे तब तो हम बिल्कुल फोकस होकर काम करेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा लूज होता है वो। तो रीजन मिला, पहले बायो करना है। अच्छा यहीं पे मैं ओएमआर का तरीका देता हूँ, पहले आप बायो कंप्लीट करो, बायो जैसे ही कंप्लीट होता है बच्चों ओएमआर फिल कर दो, ठीक है? और जैसे ये कंप्लीट होता है पार्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, मतलब आपने पानी पी लिया, हल्का सा ब्रेक लिया, ठीक है, एक लॉन्ग ब्रीद ली और देन थोड़ा सा ब्रेक लेके देन सेकेंड सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसा क्यों, आप कंटिन्यूशन में जाओगे तो क्या दिक्कत होगी वो भी बताऊंगा। फिर सेम केमिस्ट्री आपने सॉल्व किया पूरा, सॉल्व करने के बाद इसकी ओएमआर भी फिल कर दो और फिर लास्ट में फिजिक्स को आप सॉल्व करो, ठीक है, और फिर उसकी ओएमआर फिल करो। ये एक स्टैंडर्ड जो मेथड हम जो बताते हैं, ठीक है? अब इन तीनों के अंदर बच्चों सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा ब्रेक क्यों ले रहे हम, क्योंकि बच्चों जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जो शिफ्ट होते हो तो हमारा दिमाग भी उस तरह से शिफ्ट होना चाहिए। आप एक नॉर्मल सी चीज़ समझो, आप क्या कर रहे हो, सॉन्ग ही सुन रहे हो,
आपने मॉर्निंग में सॉन्ग चलाया, पहले कुछ भजन या कुछ आप कह सकते हैं भक्ति गीत आपने चलाए, आपका दिमाग अभी उनमें है, सडनली वहाँ पर कोई सैड सॉन्ग आ गया तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप नेक्स्ट बटन दबाओगे चेंज कर दोगे क्योंकि आपका मूड अभी वही है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर जैसे ही बायो से केमिस्ट्री में शिफ्ट होते हो तो हमें दिमाग को भी तो टाइम देना है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ओएमआर भर लिया हमने और पानी पी लिया, वही सेम केमिस्ट्री किया फिर उसके बाद ओएमआर फिल की, पानी पी लिया, थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक मिला एक एक दो दो मिनट का, ताकि हम टाइम दे पा रहे हैं कि वो शिफ्ट हो पाए। ओके बच्चों, ठीक, तो ये बात हुई हमारी। देन क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते हुए पूरा पढ़ना है, जब क्वेश्चन आप रीड करते हो तो वहां पर अंडरलाइन करते चलो, जैसे मैं भी अभी करता हूँ देखो, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट कर दो इस तरह से, कुछ स्पेशल यूनिट का दिख रहा है उसको हाईलाइट कर दो, अच्छे से डार्क कर दो, ठीक है, इससे हमें पता रहेगा कि क्वेश्चन हम पूरा रीड कर रहे हैं और चारों ऑप्शन भी रीड करने हमें, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम जो रीडिंग मिस्टेक है हमारी वो उन सबसे हम थोड़ा थोड़ा बचते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों कैलकुलेशन को लेकर, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं हम, तो कैलकुलेशन वाला जो भी क्वेश्चन है जिस भी सब्जेक्ट में, तो पहले ये ट्राई करो कि आप ऐसी जगह पे उसको सॉल्व करो जहाँ पर फ्री स्पेस है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले ही कुछ आपने लिखा हुआ है और उसी में थोड़ा सा जगह ढूंढ के 2 × 3 × ये क्या चल रहा है वो करने लग रहे हो, तो बच्चों आप जो सॉल्व कर रहे हो आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा नहीं कि क्या क्या मैंने, तो ट्राई करो जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसको कहाँ पर करना है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस इजिली मिल जाता है, बायो वाले पार्ट में मिल जाता है आपको, ठीक है, ये क्लियर। क्वेश्चंस के अंदर यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ऑलरेडी बच्चों में सॉल्यूशन तो पहले ही बता चुका हूँ, फोकस और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा है तो वही है, अब ये तो क्या क्या मिस्टेक करते हो कैसे कैसे करेक्ट हो जाती है वो हम बता दें, अगर आप फोकस हो तो यूनिट का ध्यान रहेगा ना, नहीं रहेगा क्या बताओ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनमें केवल यूनिट को लेकर वो क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज करो बच्चों, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी, कैसे समझना बच्चों, एलिमिनेशन मेथड जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो आप देख लेते हो कि उसके अंदर आपके पास 2-3 जो है उसने स्टेटमेंट दे दिए, या ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं करना बच्चों, आप उसमें उस चीज को देखो पहले कि ये मुझे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्कुल सही है या ये सबसे मैक्सिमम है तो ये सबसे पहले आएगा, उसी को ढूंढने जाओगे तो हो सकता है बच्चों 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाए, और किस्मत अच्छी रही तो बच्चों हो सकता है 3 ही एलिमिनेट हो जाए, तो एग्जाम में हमेशा हमने कहा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। अब आप कहोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कैसे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बच्चों होता क्या, एक चीज समझना, एक तो मैंने एग्जांपल दे दी आपको स्टार्टिंग में कि कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी वैल्यू जो हमें पता है कि इस रेंज में लाई करती है उससे बाहर जा ही नहीं सकती, जैसे हम बात करें एटॉमिक मास, जब एवरेज निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो जो भी नंबर है जैसे एक लिया A1 A2, तो जो भी ये मास लिया मैंने तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी एवरेज वो A1 A2 के बीच में होगी, अब इस रेंज के कोई बाहर ऑप्शन दे रखे वो तो होगा ही नहीं ना, ठीक है, और किस्मत अच्छी तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे 3 ऑप्शन मिल जाए जो इस रेंज में नहीं है, तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से एग्जाम हॉल में रखना है, वहीं से ही सारी मिस्टेक है बच्चों, सॉल्यूशन वहीं है देखा जाए तो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तो मैंने एग्जांपल बताया, दूसरा जैसे एग्जांपल लूँ मैं कि जब भी बच्चों आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो, आप एक चीज़ समझो, आप अभी इस पॉइंट पे हो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को तो आपके सामने जो आंसर उसकी रेंज अभी इन्फाइनिट है, आपको पता ही नहीं है क्या आंसर होगा, यस और नो, कुछ भी हो सकता है आंसर, कुछ सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने फॉर्मूले वैल्यू पुट की, 2 स्टेप सॉल्व किया, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, तो बच्चों मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर भी क्या यही दिख रहा होगा क्या, ये नहीं दिखना चाहिए, आपको एटलीस्ट उस क्वेश्चन के आंसर की रेंज दिखनी चाहिए कि रेंज जो है कम हो गई होगी, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये जैसे 100 है और इसको 200 में नाम दे दिया, ठीक है, इधर मैंने इसको नेम दिया 100, ये 200, तो पता चल गया कि हाँ इसके बीच में होगा, तो थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे और मैंने सॉल्व किया इसको तो आपको और क्लोज दिख जाएगा, हो सकता है आपको इधर दिख जाए कि ये 100 से 200 है, तो ये आंसर आपका 120 से 150 के बीच में आ रहा है, 150, और ऑप्शन पे चेक करो, ऑप्शन को हमेशा देखते रहो बार बार, ऑप्शन में मान लो आपको दिख गया कि 120 से 150 के बीच में एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करना ही नहीं है, बात आ रही समझ में, आप जबरदस्ती क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करते हो, ऑप्शन का यूज करना सीखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ऑप्शन का यूज होता है, आप हर 2 स्टेप के बाद आपको आंसर की रेंज समझ में आनी चाहिए कि आंसर कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फिर 2 स्टेप बढ़े फिर चेक करो, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में जिनमें लगता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी लेकिन वहां पर आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। एक चीज अच्छे समझ लो बच्चों, हमारा आंसर जो भी आए हमें उन 4 में से ही आंसर देना है, तो उन 4 ऑप्शन की इंपॉर्टेंस समझो, ओके। तो ये तो हुई बच्चों आपके एग्जाम के अंदर क्या ध्यान रखना है और आपको डेली जो है क्या करना है वो मैंने चीज बता दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कि एग्जाम में बच्चों आप जल्दी तो करो, जल्दी करने का मतलब अपने दिमाग को जल्दी यूज में लो ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो,
जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि बिना दिमाग के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। ऑप्शन हम डायरेक्टली फिल कर दें, 1 2 3 4, तो ये हमने कर दिया कि 1 2 3 4 भगवान के नाम पे हम लगा दिया कि ये होगा इसका ऑप्शन ए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल फोकस होके और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, एग्जाम में आपकी सिली मिस्टेक खत्म होती जाएंगी बच्चों, ठीक है। और जो दो टिप्स दिए मैंने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फॉलो करोगे बच्चों तो रिजल्ट जरूर दिखेगा, ठीक है। तो मुझे बताना जो भी ये फॉलो करता है रिजल्ट क्या दिख रहा है उसको, और जो भी आपकी क्वेरी है वो भी मुझे बताना, ताकि उन पर भी हम डिस्कस कर सके, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए होप आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू बच्चों।